When I ask you compare 3:7 and 5:7, okay, how will you compare? B section. B section, who is telling me? Five ratio seven is greater. You said 3:7 is smaller than 5:7. यही बताया आपने, ठीक है? इनको आपने कैसे सोचा? उनका डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है? अगर आप रफ में इसको देखोगे तो रफ में आप इसको ऐसे लिखोगे, 3/7, 5/7, है ना? रेशियो को आपने फ्रैक्शन में लिखा ना पहले, कंपेयर करने से पहले। फिर आपने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है, देन यू कंपेयर्ड कि 3 स्मॉलर है या 5 स्मॉलर है, देन यू कंपेयर्ड कि कौन सा बिगर होगा। ओके, सेम वे अगर ये अनलाइक है, सपोज कर लो आपको मैं पूछती हूँ कि 3:7 बिगर है या फिर 4:9 बिगर है, ओके तब भी आप सेम मेथड से करोगे। ओके, तो रिक्वायर्ड एलसीएम। बाय फाइंडिंग एलसीएम, यस, जैसे आपको पहले फ्रैक्शन में सिखाया होगा सेम वैसे ही करोगे आप। 3/7, 7 ये एंड 4/9, 7 एंड 9 के एलसीएम लोगे, फिर आप न्यूमिरेटर में देखोगे कि कौन सा बिगर है, वही नंबर हमारा बिगर होगा। ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो आप, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो आपने फ्रैक्शन में रूल पढ़े थे वही सेम रूल आपके रेशियो में भी अप्लाई हो रहे हैं। फाइन, ये तो एक क्वेश्चन था कि ओके कंपेयर टू रेशियोज, आपने सेम वे से कंपेयर किया जैसे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो, ठीक है? इफ आई आस्क यू विच रेशियो इज बिगर, देन आल्सो यू विल से इन दैट में कि विच फ्रैक्शन इज बिगर, वही देखोगे आप, ठीक है? अब इसमें ये जो आपका रेशियो वाला चैप्टर है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर है, इसमें रेशियो का जो आपको कंसेप्ट दिया हुआ है उसमें है कि कंपेयरिंग टू थिंग्स, जैसे दो बच्चों की हाइट कंपेयर करनी, एक टॉलर है एक शॉर्टर है, उनकी हाइट कंपेयर करनी, ठीक है? उनका वेट कंपेयर करना, हु इज हैवियर हु इज लाइटर, ठीक है? देन आपके पास चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं आपके पास और आपके फ्रेंड के पास, तो कंपेयर करना कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, ठीक है? तो इसलिए इस रेशियो को कंपेयरिंग क्वांटिटीज के चैप्टर में डाला गया है कि उसको दो दो काइंड ऑफ थिंग्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है? अब ये जो आपकी जो चीजें हैं, जैसे हाइट को हाइट से ही कंपेयर करना है, ऐसा नहीं कि हाइट को वेट से कंपेयर कर दो। रेशियो की फॉर्म में जो भी हम लिखते हैं, आपको रेशियो के चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 6th क्लास में ये बताया गया था कि वेन एवर वी टॉक अबाउट रेशियो तो 3 मीटर रेशियो 7 मीटर से ही कंपेयर करोगे। आपकी जो रेशियो होती है वो मीटर और मीटर सेम यूनिट होना चाहिए। आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आवर्स और मिनट्स वाले, तो आपने किया था इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया था, उसके बाद करते हो ना, आपको पता है रेशियो में हम सबसे पहले उनके यूनिट सेम करते हैं। वी डू इट और नॉट? एक्सक्यूज मी मैम, यस, हमें तो मैम मॉड्यूल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मिले हैं। एक्सप्रेशन का मिला हुआ है? ओके यस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नहीं मिला। ओके, आप सबके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? ओके, देन वी विल स्टार्ट दैट आज, फिर वो कर ले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर ले। ऑल राइट, चलो उसका पहले बेसिक कर लेते हैं, देन मॉड्यूल मंगवाती हूँ मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके बेटा एग्जाम में आ रहा है ये चैप्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है? ओके ओके, ऑल राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेवेंथ एफ फर्स्ट चाइल्ड, जस्ट टेल मी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या आपको पता है इसके बारे में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू फाइंड अ नोन क्वांटिटीज यूज टू फाइंड नोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज अननोन क्वांटिटीज, यस। अननोन क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जैसे एक्स है वाई है, कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल्स वेरिएबल्स, यस यस, ऑल राइट।
तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बनी है वो हमारी बनी है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से. चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास सपोज कर लो कुछ टर्म्स हैं, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, 5 माइनस वाई. आर दीज ऑल एक्सप्रेशन? क्या ये एक्सप्रेशन है? यस यस एक्सप्रेशन है. या जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम चला ये एक्सप्रेशंस हैं. एक्सप्रेशन में होता क्या है? आप यू आर सेइंग दीज आर एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? An algebraic expression is a combination of variables and constants. वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. बिल्कुल परफेक्टली बताया आपने. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन. इट इज अ कॉम्बिनेशन, प्लीज राइट डाउन जिसको नहीं पता. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, जिसमें दो चीजें इकट्ठी आ जाएं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. ये तो मेरी, हाँ ठीक है. बेटा जस्ट मिनट, मॉड्यूल 1 है ना आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? इसमें वही है, फिल अप द फॉलोइंग टेबल एंड सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना? ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, ओके. तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. प्लीज राइट इट डाउन जिसको नहीं पता. नाउ एक एक्सप्रेशन बनती किसी से? कांस्टेंट और वेरिएबल से. और कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं आपस में या तो प्लस हो रहे हैं या फिर माइनस हो रहे हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक टर्म होती है, और बीच में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन है वही तब मैं बता रही हूँ. यस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. अब कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को ही टर्म बोलते हैं. यहाँ पे कितनी टर्म्स आए? अब मैंने एक्स माइनस थ्री लिखा है, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 टू या 2? टू कितने टर्म्स हैं? 2 टू टर्म्स हैं. यस कौन कौन सी? एक्स एंड माइनस एक्स थ्री. एक्स एंड माइनस थ्री, दीज आर 2 टर्म्स. ओके, टर्म्स को मिला के जो टर्म्स होती हैं उनको जब हम इकट्ठा लिखते हैं वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है. वो कॉम्बिनेशन टर्म्स किस चीज से बनती हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट से ही बनती हैं. ठीक है, तो उनको जब हम कंबाइन करते हैं आपस में तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है. ठीक है, अब ठीक है, चलो ये आपका हो गया. ये क्या, क्या ये ऐसा भी हो सकता है? इफ आई राइट इट एज 3xy+1, इज दिस ऑल्सो एन एक्सप्रेशन? यस. Yes, इसमें भी वेरिएबल आ गया एक्स और वाई, और साथ में कांस्टेंट आ गया आपका 1, और 3 जो है उसके साथ उसका नंबर आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया उसका. ठीक है, अब प्लस और माइनस के आसपास जो टर्म्स होती हैं उनको हम पूरा का पूरा टर्म बोलते हैं. जैसे इसमें 2 टर्म्स हैं, 3xy एंड 1, 2 टर्म्स हैं. ठीक है, तो व्हाई वी कॉल इट कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दोनों या तो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, 2 टर्म्स आपस में. ठीक है, अब आप देखो कि मैंने बोला कि 3xy एक टर्म है,
ठीक है, अगर मैं इसको 3 + x + y लिखूंगी तब भी ये क्या ये टर्म है? इज दिस अ टर्म? 3xy एक टर्म थी, तो 3 + x + y भी एक टर्म है? यस, जिसको पता है खड़े होके बता दो जल्दी से। बी सेक्शन, एक्सप्रेशन ए सेक्शन से आवाज आ रही है। यस, खड़े होके बताओ बेटे, आगे आ जाओ। मैम, नो इट इज एन एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन। यस, दिस इज एन एक्सप्रेशन, क्योंकि टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। कौन कौन से टर्म्स? 3x और y, कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन रही है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक टर्म बन जाती है वो, कोई साइन नहीं है बीच में प्लस का या माइनस का। जैसे ही बीच में प्लस और माइनस का साइन आया, चाहे मैं इसको 3 - x + y लिखूं, चाहे मैं उसको साइन कोई और चेंज करके लिखूं, प्लस माइनस को इधर चेंज कर दो, चाहे -3 लिख दो, जैसे ही बीच में प्लस माइनस आएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल बन जाएगा और वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। यस इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। ठीक है, आपको पता भी था पहले से, और थोड़ी सी और क्लैरिटी इसको कर लो कि जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो एक टर्म बन जाती है, जब बीच में प्लस या माइनस डालते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है। इज इट क्लियर? नाउ फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है। प्लीज रिपीट यस बेटा, यू वॉन्ट टू आस्क? मैम, प्लीज रिपीट। आई सेड कि जब आपके पास एक टर्म है, जब बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है, वो एक टर्म है, सिंगल टर्म है। जैसे ही बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाता है उनके बीच में, कांस्टेंट और वेरिएबल के, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है। इज इट क्लियर? ये एक्सप्रेशन है और ये एक टर्म है आपके पास। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम, फाइन। नाउ आई एम राइटिंग, ये अभी हम मॉड्यूल हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी कॉमन जो चीजें हैं ना बेसिक, वो पहले अंडरस्टैंड कर लो बेटा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, वी फर्स्ट ऑब्टेन एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3xy। अब आपको इसमें आपको टर्म्स भी बताई हुई है, कौन कौन सी टर्म्स होती है और उनके फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे आपके पास 3xy था, 3xy है, ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? ये एक टर्म है आपके पास, दिस इज अ टर्म, ठीक है। अब इसमें फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? थ्री एक्स 3x एंड एंड थ्री कॉमा एक्स कॉमा वाई, दीज आर द फैक्टर्स, ओके। एंड इसमें कॉफिशियंट क्या होगा? कॉफिशियंट ऑफ मैम 3। अभी यस, कॉफिशियंट भी दो तरह के होते हैं बेटा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट का मतलब नंबर, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉफिशियंट जो आएगा आपका, सिर्फ नंबर को देखोगे, वेरिएबल को नहीं देखोगे, वो आपके पास आएगा 3, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉफिशियंट ऑफ एक्स, देन यू विल से DY वाई। यस, उसके साथ क्या लगा हुआ है उसको हमने देखना होता है। एंड कॉफिशियंट ऑफ वाई विल बी 3x थ्री एक्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। फाइन, फैक्टर्स आपको पता चल गया, उसके टर्म्स पता चल गए, कांस्टेंट पता चल गया, कॉफिशियंट पता चल गया, न्यूमेरिकल, अलजेब्रिक, ठीक है।
न्यूमेरिकल कॉफिशियंट बेटा आपका होता है जो नंबर होता है, मैंने आपको बताया उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा आपका कॉफिशियंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्जेब्रिक कॉफिशियंट, कॉफिशियंट। ओके, इफ आई आस्क यू, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, राइट ऑन वन एग्जांपल। वी हैव एक्स वाई प्लस फोर, एक्स वाई प्लस फोर 13 माइनस y स्क्वायर। जस्ट अपनी नॉलेज एनहेंस कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस प्लस 5 y स्क्वायर, ये मैंने तीन एक्सप्रेशंस लिखी हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। ये सारी वी हैव टू राइट, दीज आर एक्सप्रेशन, टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। जल्दी नहीं करनी मेरे को बताने में, अंडरस्टैंड कर लो कि पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे। आपको चैप्टर तभी समझ आएगा, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए आप कर पाओ, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशंस दी हुई है, तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करनी है कि विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, टर्म्स लिखनी है। एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर। खड़े होके बताओ, मेरे को पता चले जरा कौन बता रहा है, क्योंकि सेवंथ एफ से मेरे को ज्यादा रिप्लाई आ रहे हैं। आपने बताया सेवंथ एफ क्या है? सेवंथ है। ओके गुड, वेरी गुड। यू सेड दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, इसमें कौन सी टर्म है जो कॉन्स्टेंट नहीं है? एक्स वाई। इसमें कौन सी है? माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कौन सी है? माइनस वाई, माइनस वाई एंड 5 y स्क्वायर, दोनों। सर ये आपको लग रहा है कि ये सिंगल है, एक ही एक्सप्रेशन है ये, पता है ना आपको? तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट नहीं है वो दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी? माइनस वाई एंड 5 y स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है बच्चों की, कि वो नेगेटिव लगाना भूल जाते हैं। वाई तो आपको क्लियरली दिख रहा है, टेक केयर दिस इज माइनस वाई एंड इन दिस माइनस वाई स्क्वायर। प्लीज से इट केयरफुली, यहां पे काफी गलती होती है बच्चों की। माइनस लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में ओनली एक्स वाई। ओके, ये आपने लिखा टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। अब आपने लिखना है कि न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट लिखना है सबका। इसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट क्या होगा? इसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट फोर वन, जो जो बोल रहे हैं रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी। अब आपकी वोटिंग भी देखनी पड़ेगी ना, कि जो जो बोल रहे हैं कि वन इसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट है, काफी कम बच्चे हैं। जो बोल रही है फोर है, उसमें भी डाउट है आपको, तो प्लीज बी केयरफुल। एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई। एक्स वाई का आपने न्यूमेरिकल कॉफिशियंट बताना है, पूरी एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल कॉफिशियंट नहीं पूछ रहे, वो टर्म का कॉफिशियंट पूछ, टर्म का न्यूमेरिकल कॉफिशियंट पूछ रहे हैं। ओके, लुक एट एक्स वाई ओनली, पीछे फोर की तरफ नहीं जाना। जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी फोर के बारे में, पीछे नहीं जाना। आप आगे वो पूछ रहे हैं कि अभी जो आपने टर्म लिखी है नॉन कॉन्स्टेंट वाली, उसके एक न्यूमेरिकल कॉफिशियंट क्या है? तो दिस इज वन, जो कि हिडन है, दिख नहीं रहा। तो अंडरस्टूड है, वन इंटू एक्स वाई इज वन। वट इज द न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ दिस? माइनस माइनस वन। यस, माइनस वाई वन जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, हाँ, माइनस वन एंड दो आएंगे ना इसमें, यस प्लस 5 5। फाइव, यस ओनली फाइव, कोई माइनस नहीं है उसके साथ। एक एक टर्म थी तो एक उसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट आया।
दो टर्म है तो उनके दो न्यूमेरिकल कॉफिशियंट आए। बेटे अपने माइंड में आपने सिर्फ आपके ना जो जो वर्डिंग होती है न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, अल्जेब्रिक कॉफिशियंट, या फिर इसकी बात करते हैं हम, या एक्सप्रेशन की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, प्लीज इनको अपने माइंड में लेना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, जो हम बात करते हैं इनके टर्म्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट की बात करते हैं, वो क्या चीज होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो होते क्या है, बस फिर आपको क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इज इट फाइन? यू कैन डू इट ना? ये बेसिक पहले समझ लो, फिर आपका मॉड्यूल हम आगे स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है? अब आपके पास एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। आर यू नोटिंग इट इन द नोटबुक? आर यू राइटिंग? यस गुड। ऊपर टॉपिक लिख लिया आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो साथ साथ नोट भी करते जाओ, ठीक है? मैं आपको बेसिक पहले करवा लूं, फिर आपको इजी लगेगी मॉड्यूल भी। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द कॉफिशियंट ऑफ वाई। राइट द कॉफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है? अब आपको पूछा है 4x-3y, आपको अलग अलग वो एक्सप्रेशंस बताई हुई है, 8+yz, देन yz² + 5, देन मैम y+m, ठीक है? आपने केयरफुली देखना है, हर एक चीज को केयरफुली देखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, क्या लिखा है और क्या पूछ रहे हैं। -3 z z² and ओके, आई वॉन्ट टू सी कि सबको आता है कि नहीं, लेट मी कॉल द नेम्स ऑल्सो। क्लास 7B, अंशिका, अंशिका आर यू देयर? यस, आ गया। जो बेटा कॉफिशियंट ऑफ वाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपने बताना है, ठीक है? ओके, आपको दिख रहा होगा इस एक्सप्रेशन में कॉफिशियंट ऑफ वाई क्या होगा इसमें, फर्स्ट वाली में? 4x ऑफ वाई -3, यस। तो आपने 4x क्यों बोला था पहले? नहीं, दैट इज फाइन। आई मीन टू से, आपको किसने बताया या आपको आता था? नो इट ना? ओके, सिट डाउन। गुड। आई मीन टू से कि अगर आपको कॉफिशियंट ऑफ वाई पूछे हैं तो वाई की तरफ फोकस दो, दूसरे को मत देखो फिर, ठीक है? सबसे पहले जब भी आपके से कॉफिशियंट पूछते हैं ना, लुक फॉर टर्म्स। पहले तो आपकी एक यहाँ पे लिख लेनी चाहिए कि ये टर्म जो है वो -3y है, तो इसलिए इसका कॉफिशियंट जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू -3। आपको मैम ने, वैसे तो आपने टेबलर फॉर्म में किया होगा, टेबल की फॉर्म में कि ऊपर आप हेडिंग लिखते हो, अभी जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कॉफिशियंट ऑफ वाई हमें ऊपर पूछा था तो हमें सिर्फ उसी को देखना है जिसमें वाई है, दूसरे को देखना ही नहीं है। एक्सप्रेशन के अंदर बहुत कुछ होता है, ये तो छोटे छोटे दो दो टर्म्स है, एक्सप्रेशन तो बहुत लंबी होती है जिसमें कम से कम 5-6 टर्म्स भी हो सकती हैं। ओके, तो आपको देखना है, अपने आप आपको ये देखना है कि मेरे को वो चूज करनी है जिनमें वाई लगा हुआ है, एक्स की तो बात ही नहीं हो रही है, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एक्स। इज इट फाइन? वी हैव टू लुक फॉर दोज टर्म्स विच कंटेन वाई, फिर उसको जब वो अलग हो जाए वाई वाला, फिर उसको और ज्यादा फिल्टर कर लो कि अब वाई के साथ क्या लगा हुआ है, उसको ढूंढ लो। ओके, 7C, अनमोल प्रीत, अनमोल प्रीत आर यू देयर? ओके, आप आगे खड़े हो बेटे? मैम एब्सेंट। ओके ओके, जपलीन भाटिया, प्रेजेंट। बेटे आ जाओ आगे।
यस मैम। प्लीज टेल मी बेटा कोफिशिएंट ऑफ वाई इन दिस मैम सेकंड वाले में। एट। एट के साथ वाई लगा हुआ है, ध्यान से देखो पहले, एट के साथ वाई लगा हुआ है क्या? मैम जेड। जेड, यस। यही तो ध्यान से देखना है, चैप्टर बहुत इजी है ये। इजी क्यों है? ना तो इसमें डिवीजन हो रही है, ना मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना आपको एडिशन करनी पड़ रही है, ना सब्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है, कोई कैलकुलेशन आपकी है ही नहीं है, बस आप ध्यान से उनको देख रहे हो और आंसर बता रहे हो। यही है ना चैप्टर में, और तो कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको अगर समझ आ जाएगी कि कौन सा टर्म है, कौन सा फैक्टर है, कौन सा कॉफिशिएंट है, देन यू हैव वन, द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। यस, सेवेंथ डी सेक्शन, पारस चोपड़ा। डी सेक्शन, पारस आर यू प्रेजेंट? ओके, यस बताओ बेटा इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई इन दिस एक्सप्रेशन, वाई जेड स्क्वायर प्लस फाइव। यस, सोच के बताओ। स्क्वायर, यस, कॉन्फिडेंटली बताओ। जेड स्क्वायर, वाई के साथ जेड स्क्वायर ही लगा हुआ है, यहाँ पे जेड ही लगा हुआ था, यहाँ पे -3 लगा हुआ था, उसके इमीडिएट साथ क्या लगा हुआ है वो आपने देखना है। वेरी गुड। ई सेक्शन, मनप्रीत सिंह। यस, आ गए, आ गया जो बेटा, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है आपको वाई का कॉपी। प्लस हाँ बेटा, दोबारा बोलो। वाई प्लस वाई का कॉफिशियंट आई एम आस्किंग, वाई का कॉफिशियंट क्या है? एमएम एम, बिल्कुल उसके साथ जो लगा हुआ है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, वाई के साथ। यू हैव अंडरस्टूड? ये किसी के बताने पे आपने आंसर बताया है। यू नो इट वाई इट इज एम? यस ओके गुड, सिट डाउन। अब सिंस यू आर डूइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, यहाँ पे क्लास में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो जनरली बच्चों को जब हम बताते हैं कि कॉफिशियंट कैसे लर्न करना है, आपने जब वाई का कॉफिशियंट पूछा जाता है तो वाई को हाइड कर दो, फिंगर से छुपा दो उसको, उसके साथ बिल्कुल जो नंबर लिखा होता है, जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको जो नंबर दिख रहा होता है उसको हम आंसर में लिख लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आई, मैं उनको दोबारा से अभी ये ट्रिक बता रही हूँ थोड़ा सा, कि जिसका कॉफिशियंट पूछा होता है उसके ऊपर फिंगर रख दो, उसके साथ जो दिखाई दे रहा है वो उसका आंसर होगा। यहाँ पे मैंने फिंगर रखी वाई पे, तो मेरे को -3 दिख रहा है, तो -3 उसका कॉफिशियंट होगा। यहाँ पे मेरे को, मैंने वाई का पूछा था, तो वाई को मैंने यहाँ पे फिंगर रखी, तो वाई के साथ क्या लिखा हुआ है जो छुपा नहीं है? दैट इज जेड, तो जेड इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने वाई को छुपाया तो उसके साथ जेड स्क्वायर लिखा हुआ था, तो जेड स्क्वायर उसका आंसर है। यहाँ पे मैंने वाई को छुपाया तो उसके साथ एम लिखा हुआ था, जो कि उसका कॉफिशियंट है, इसलिए एम उसका आंसर है। इज इट क्लियर? जिनको डिफिकल्ट लगता है कि कॉफिशियंट क्या होता है, कैसे सोचें, मैं उनके लिए बता रही हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अगर यस आपको सपोज कर लो लिखा हो यहाँ पे -7 वाई प्लस 8, आपको अगर वाई का कॉफिशियंट पूछे तो वाई को छुपा दो फिंगर से, फिंगर से छुपा के आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -7 है, तो -7 इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? कुछ मैम है जिसको नहीं समझ आया हो? यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है? एवरी क्वेश्चन को एक गेम की तरह डील करो। ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन है,
और वो भी मैथ्स का, ठीक है? आप न्यू न्यू गेम्स सीखते हो ना, ठीक है? कभी सिटिंग गेम्स भी होती है आपकी, इंडोर गेम्स भी होती है, हर एक गेम को सीखने का कोई रूल होता है ना, वो भी तो आप सीखते हो। तो ये रूल ही है जो आपको लर्न करने हैं कि अच्छा ये रूल है, इसको सॉल्व करने का ये रूल है। ओके, रिमेंबर इन दैट वे। ओके, आपने बेटा ये भी किया है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी किया हुआ है क्या? यस। ओके चलो वो भी आज कर लेते हैं। नोट कर लिया बेटा ये सबने? मैम यस। आज जो जो भी हम कर रहे हैं बेटा कंसेप्ट पूरे चैप्टर के बारे में, वो आपके वो यूज आएगा जब आप मॉड्यूल करोगे, ठीक है? मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। टिल नाउ वट एवर वी हैव डन टूडे, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। वेरी गुड। नाउ यू नो लाइक भी होते हैं इसमें, लाइक टर्म्स भी होती हैं और अनलाइक भी होती हैं। जैसे आप लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस करते थे, तो वैसे लाइक और अनलाइक टर्म्स भी होती हैं। डू यू नो? ठीक है, अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? एंड टर्म्स हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स। एल्जेब्रिक एक्स फैक्टर्स, यस, कॉफिशियंट, अलजेब्रिक कॉफिशियंट यू कैन सी। आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर है। व्हाट इज योर गुड नेम बच्चे? सेवंथ है बॉय हुआ? मैम नवकरण सिंह। हाँ बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रही है, काफी बच्चों को पता नहीं होता। क्वेश्चन तो आते होते हैं आपको, क्वेश्चन तो पता होता है कि हाँ इसको ऐसे करना है, बट एग्जैक्ट उसके बारे में बताना कि ये चीज होती है। ही इज टेलिंग मी इन परफेक्ट वे, आई हैव आस्क यू वट आर लाइक टर्म्स एंड वट आर अनलाइक टर्म्स, तो उसने बताया कि लाइक टर्म्स होंगे इनके पास सेम जो होगा वो एल्जेब्रिक फैक्टर होगा। सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, लाइक का मतलब सेम एल्जेब्रिक फैक्टर। प्लीज राइट इट डाउन, सबको पता होना चाहिए ये एल्जेब्रिक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल सेम एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होते हैं? जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई क्यूब हो गया, या फिर एक्स वाई इकट्ठा हो गया, इनको हम एल्जेब्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, एल्जेब्रिक फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे आपके पास हो गया फॉर एग्जाम्पल माइनस सिक्स एक्स वाई, फाइव एक्स वाई, या फिर टू एक्स वाई, ये सारे क्या हुए? लाइक टर्म्स। एंड सिर्फ एक्स वाई नहीं, कुछ भी हो सकता है वो, सिक्स एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर, माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर, ये भी सारे के सारे लाइक हैं। जो अल्फाबेट होते हैं इनके साथ वो सेम होने चाहिए। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अल्फाबेट जो है ना आपके वेरिएबल जो है एक्स वाई की जो टर्म्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए देखने में, उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अकेला वाई वाई चल रहा है तो अकेला वाई वाई सबके साथ चलेगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई चलता जा रहा है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर चलता जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अनलाइक में क्या क्या आएगा? विच हैज द टर्म्स विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। Different variables, algebraic factors are different. Algebraic factors are different. Algebraic factors का आपको पता चल गया किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? Yes, yes. इसमें algebraic factor क्या है? 6x में, 6x square में. X, 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 X square. X square. X square जो है वो algebraic factor है. Algebraic factor मतलब variable वाला. इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई है, इनको हम एल्जेब्रिक फैक्टर्स बोलते हैं। किस किस को पता चल गया एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम एल्जेब्रिक फैक्टर्स बोलते हैं, एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। वेरी गुड, हैंड्स डाउन।
इनके एग्जांपल्स लिखो अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 9x2y और साथ में मैंने लिख दिया -5y2. ठीक है, एक में मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई आ गया, एक में अकेला वाई आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक में सपोज मैं यहाँ पे 7y लिख देती हूँ, साथ में -6x लिख देती हूँ. ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो अनलाइक टर्म्स है. इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. एग्जाम्पल्स लिख लो थोड़े से, आपको फिर भूलेगा नहीं. और ये जो सारे पॉइंट जो हम आज लिख रहे हैं, ये कल आप अपने सामने रखोगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूल करेंगे, तो यू शुड नो दिस ऑल बेसिक थिंग्स. ठीक है बेटे, राइट वन मोर, शैल आई क्लियर इट? मैम यस यस. नोट कर लिए सबने? ओके. Now, types of expressions. कितनी टाइप की एक्सप्रेशंस होती हैं आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आपकी होती है, कोई बताएगा? मैं पढ़ा हुआ है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, सेवंथ. मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल नहीं होता, मल्टीनोमियल नहीं हम यूज करते. सेवंथ, ओके, पॉलीनोमियल. यस, ओके. जी सेक्शन, जी सेक्शन से अभी मुझे कुछ पूछना है. आई वांट टू सी आपको समझ आ रहा है कि नहीं. अनीश भाटिया, अनीश आर यू प्रेजेंट? आगे आ जाओ बेटे. अनीश है 7G में? यस, आगे आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके ओके बेटा, ओके, इट्स ओके, पता चल गया मुझे. ओके, ई सेक्शन, ई सेक्शन, अर्शिया, मैम यस. ओके, मेरे को बताओगे बेटे किस किस टाइप के आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी हुई हैं? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल, ठीक है. मोनोमियल कौन सी होती है? डू यू नो व्हाट इज मोनोमियल? कहना है जिसमें कोई साइन नहीं होता, जिसमें कोई साइन नहीं होता, जिसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता, है ना. प्लस या माइनस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टर्म की बात कर रहे हैं. एक टर्म जिसमें है, सिंगल टर्म, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, वेरी गुड. राइट डाउन, फर्स्ट इज मोनोमियल. ये आपके नोट्स बन रहे हैं पूरे चैप्टर के, जो आप बाद में यूज करोगे. ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ठीक है. अब आपकी लैंग्वेज में हम शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे नोट्स ब्रीफ में बनाएंगे, क्योंकि चीजें आपको पता भी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं पता. आपको सब कुछ पता है, बस एक कंपाइल कर रहे हो आप एक पेज के ऊपर. आज आप एक या दो पेज में अपने पूरे चैप्टर के कंसेप्ट जो जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में लिख रहे हो. ओके, दिस इज ओनली वन टर्म. एग्जाम्पल दो. 3x, कोई और एग्जाम्पल? -5y और 5y, ये सारी आपके पास मोनोमियल हो गई. ठीक है, बाइनोमियल, द एक्सप्रेशन दैट हैव टू टर्म्स, दैट हैव टू टर्म्स,
टू टर्म्स तो होनी चाहिए, लेकिन और क्या होना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट, अनलाइक टू अनलाइक, वेरी गुड. जिन्होंने बताया अनलाइक, रेज योर हैंड. मुझे यही सुनना था आपसे. टू अनलाइक, प्लीज राइट इट डाउन. टू अनलाइक टर्म्स. अगर वो लाइक होंगी फिर तो प्लस करना पड़ जाएगा उनको. ओके, अनलाइक होनी चाहिए, जो कि मिले नहीं आपस में, दो की फॉर्म में ही चले वो. ठीक है, उसको हम ऐसे ही लिखें, जैसे आपके पास हो गया 7y+6, दो टर्म्स हैं, 3y+4x टू अनलाइक टर्म्स है. ठीक है, थ्री वही वाई प्लस 4x. टू टू सिर्फ दो ही टर्म्स हैं जो आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं, और उनका एल्जेब्रिक, क्या क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज द वर्ड? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कोफिशिएंट शुड बी डिफरेंट. एल्जेब्रिक कॉफिशियंट शुड बी डिफरेंट. इसका एल्जेब्रिक कॉफिशियंट क्या है? वाई. इसका एल्जेब्रिक कॉफिशियंट है एक्स. इसका कॉफिशियंट, एल्जेब्रिक कॉफिशियंट क्या है? वाई. और बाय. तो है ही नहीं है. ठीक है, अगर आपको ये नाम अच्छे से आ गए ना, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ये चैप्टर आपका 7th में भी है, 8th में भी है, आगे आगे 9th में भी यूज होएगा, 10th में भी यूज होएगा. एल्जेब्रिक जो फैक्टर है, एल्जेब्रिक कॉफिशियंट जो है, वो नाम आपको पता होना चाहिए, वो होता क्या है. ठीक है, तो हमारे पास टू अनलाइक टर्म जब भी होंगे, टू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. देन ट्राइनोमियल, एक्सप्रेशन विच हैव थ्री थ्री अनलाइक टर्म्स. अनलाइक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. यस, फॉर एग्जाम्पल कुछ टर्म्स. भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस वो अलग अलग होने चाहिए. जेड जरूरी नहीं कि हमने वो वेरिएबल लेना ही लेना है साथ में. वेरिएबल ना भी लो, 7 लिख दो अकेला, -5 लिख दो, -11 लिख दो. जरूरी नहीं कि सबके साथ ही एल्जेब्रिक कॉफिशियंट होना चाहिए. बस तीन टर्म्स होनी चाहिए उसमें. ठीक है, तीनों टर्म्स में एक ये हमारा कांस्टेंट भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? दिस इज कांस्टेंट, यू नो, कांस्टेंट टर्म जो है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Is it clear? Tomorrow we'll start the module. आज जो जो चीजें हमने की हैं, प्लीज इनको रिवाइज करके आना. आज जो जो आपने लिखा है ना बेटा क्लास में, प्लीज रिवाइज दैट ऑल. इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स. ओके, पहले ये जो चीजें आज हमने लिखी हैं, मैं इनमें से कल पूछूंगी, उसके बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट करवाएंगे. ओके बच्चे, यस अभी अगर टाइम है तो वी कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल. अगर टाइम अप हो गया है तो देन वी कैन स्टार्ट टुमारो. टाइम इज अप. यस सी यू टुमारो. कल यही वाला मॉड्यूल बेटा लेके आना, और साथ में ये रिवाइज करके आना. ओके, चलो सी यू टुमारो. बाय 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 बेटा, बाय. Thank you.